शबे बारात, जिसे आजकल एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। लोग इस दिन नए नए कपड़े पहनते हैं, मखसूस इबादतें करते हैं, और आजकल तो एक नई चीज देखने को मिल रही है, माफीनामा। आप सबने भी देखा होगा। दरअसल माफीनामा कोई नई चीज नहीं है, माफीनामा हमेशा से मौजूद था। नई चीज है डिजिटल माफीनामा, जो एक लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट होती है और वो पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट होती है, जिसमें दरअसल में माफी नहीं मांगी जाती है, एक फॉर्मेलिटी अदा की जाती है। ये माफीनामा लोगों पर जबरदस्ती थोपा जाता है, अल्लाह का वास्ता देकर जबरदस्ती लोगों से माफी मांगी जाती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लोगों से जबरदस्ती मांगी गई माफी कबूल होगी? हमने कितने लोगों के दिल दुखाए हैं, कितने लोगों के साथ गलत किया है, कितने लोगों का हक मारा है? क्या उन सबके सामने ये फॉर्मेलिटी वाला माफीनामा भेज देना ये काफी है? क्या इससे हमारी मगफरत हो जाएगी? और क्या सिर्फ शबे बरात के दिन माफी मांग लेना काफी है? हर इबादत को, हर माफी को, हर गुनाह की तौबा के लिए शबे बरात को मखसूस कर देना, क्या ये काफी है? इबादतें खुदा के लिए तो हर दिन एक जैसा है, जिस दिन भी हमारा दिल करे शिद्दत से इबादत कर ले। और मेरे ख्याल में हर वो दिन शबे बरात है, जिस दिन बंदा अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की जानिब पलट आए। हर वो दिन गुनाह से तौबा के लिए बहुत ही खास है, जिस दिन बंदे को दिल से अपने गुनाहों का एहसास हो जाए। हम मुखालिफत नहीं करते इस दिन की, बेशक शबे बारात की अपनी जगह फजीलत है, लेकिन हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा हर दिन शबे बारात हो, किसी दिन भी हमसे अल्लाह के किसी बंदे की दिल आजारी ना हो। जिस तरह से हर वो दिन ईद है, जिस दिन हमसे कोई गुनाह ना हो, उसी तरह से हर वो दिन शबे बरात है, जिस दिन भी हम अपने गुनाहों से तौबा करके